राजधानी देहरादून से है, जहां स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाथ धाम यात्रा को व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के लिए जिला प्रशासन समेत विभिन्न विभागों की तैयारियों और सुविधाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आ रहे हैं, उन्हें कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसी दौरान प्रभारी सचिव ने जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं और व्यवस्थाओं का आकलन किया, जिससे कि सभी कमियों को दूर किया जा सके और यात्रियों की यात्रा सुखद संपन्न हो। इसके तहत ही स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सालय के विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करते हुए जिला चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि उपचार में किसी तरह की शिथिलता न बरती जाए। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार जैसे आपको विदित है, नंबर्स अनप्रेसिडेंटेड हैं और कई बार मैं पढ़ भी रहा था कि लगभग जो पिछले बार यात्रीगण आए थे उससे लगभग 60 से भी ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि हुई है यात्रीगणों की संख्या में। तो निश्चित तौर पर एक चैलेंज है, बट इस चैलेंज के साथ साथ एक अपॉर्चुनिटी भी है कि हम लोग अपना बेस्ट फेस प्रेजेंट करें और यात्री के लिए जो यात्रा है चार धाम में जो विजिट कर रहे हैं उनके लिए ये पूरा जो प्रोसेस है स्मूथ रहे। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी हमने भी वार्तालाप किया, एक वाइडर मीटिंग करेंगे डीएम साहब और एसएसपी साहब के साथ, और जिला प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है इस यात्रा को और सुलभ और ईजी बनाने में, और बाकी जो इश्यूज़ इनके द्वारा रेज किया जाएगा वो हम लोग शासन स्तर पे चिंतन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे ताकि इनको सॉर्ट आउट करा दिया जाए।